दोस्तों 10,000 तक की रेंज में काफी सारे फोन्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिर्फ और सिर्फ 10,000 तक आने वाले 5 फोन, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला फोन है Xiaomi की तरफ से Redmi 12C, जिसका 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 9,000 रूपए में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 6.71 इंच का 60Hz HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ MediaTek Helio G85 प्रोसेसर, जो कि अगर आपको नॉर्मल गेमिंग करनी है तो आराम से करवा दे। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 50MP का रियर और 5MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि डे लाइट कंडीशन में काफी अच्छी फोटो खींच लेता है। डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट के साथ IP53 स्प्लैश रेजिस्टेंट और 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, और इस प्राइस में जो मेरे को सबसे अच्छा नहीं लगा वो है इसमें टाइप सी पोर्ट का ना होना, वरना ओवरऑल काफी अच्छा प्रोडक्ट है। आप 10,000 के बजट में इसे आराम से परचेस कर सकते। नेक्स्ट फोन जो हमारे लिस्ट में आता है वो है मोटोरोला का G13। इसका भी 4GB और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 8999 में देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको 6.5 इंच की 90Hz की LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। प्रोसेसर भी सेम ही मिल जाता है, जो कि है Helio G85, जो कि नॉर्मल गेमिंग के लिए तो काफी अच्छा प्रोसेसर है। इसमें आप 2 SIM के साथ साथ एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 50MP प्राइमरी और 2MP डेप्थ और मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। 8MP का फ्रंट कैमरा भी इसमें आपको मिल जाएगा। डुअल बैंड वाईफाई के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। इस प्राइस के हिसाब से ये काफी अच्छा फोन है, जिस पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। साथ ही इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिनसे काफी अच्छी आवाज आती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस पे डिस्प्ले 90Hz का है, तो इसके यूज करने में भी आपको काफी मजे आएंगे और इसमें आपको काफी अच्छा जेस्चर्स भी मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप मोटोरोला का फोन 10,000 की रेंज में लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगला जो फोन है ये मैं उनको रिकमेंड करने वाला हूँ जिनको एक प्रीमियम लुक चाहिए एक फोन से। इसका लुक काफी अच्छा है और साथ ही साथ इसमें आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 9,000 रूपए में। इस फोन का नाम है लावा ब्लेज 2। इसमें आपको यूनिसॉक का T616 प्रोसेसर विद UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ 6.5 इंच की HD+ 90Hz की स्क्रीन रेट विद पंच होल कैमरा। कैमरे की बात करें तो 13MP का प्राइमरी और 2MP का डेप्थ के साथ 8MP फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको डुअल बैंड वाईफाई भी देखने को मिल जाता है, वो भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ। यहाँ पर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 18W का चार्जर सपोर्ट करती है, और चार्जर भी आपको इसके बॉक्स में ही मिल जाएगा, तो ये फोन आपको देखने में काफी अच्छा लगेगा। कैमरे के मामले में ये पहले 2 फोनों से थोड़ा सा वीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कैमरा बेकार है, जैसा कि आप कुछ सैंपल्स में देख ही सकते हैं। और इसमें आपको 8999 में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज भी मिल जाता है, साथ ही ये एक इंडियन ब्रांड है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको ब्लॉटवेयर भी देखने को नहीं मिलेगा। वेल, ये ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस वाला फोन है, जिसे आप आराम से परचेस कर सकते हैं। अगला फोन जिसने हमारी लिस्ट में जगह बनाई है वो है इन्फिनिक्स का Note 12i, जिसका 4GB और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 9999 में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 6.7 इंच 60 का FHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। Helio G85 प्रोसेसर भी आपको यहाँ मिल जाता है, इसलिए इसमें भी आप गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको 33W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद 5000mAh बड़ी बैटरी, जो कि आराम से एक दिन तो निकाल ही देगी। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 50MP प्राइमरी और 2MP डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। इसी के साथ इसमें आपको 8MP का फ्रंट कैमरा भी मिल जाएगा। वेल, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फोन की तरफ, जो कि हमारी लिस्ट में है Realme Narzo 50A Prime। इसमें आपको 6.6 इंच की FHD+ डिस्प्ले मिल जाएगी और तो और 5000mAh की बड़ी बैटरी का सपोर्ट भी, जो कि 18W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। इसमें आपको यूनिसॉक T612 का प्रोसेसर मिल जाता है, जिसका AnTuTu स्कोर 200,000 से काफी ऊपर है। इसमें आप गेम्स भी खेल पाओगे। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 50MP का प्राइमरी और 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 9999 में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 5 फोन्स अंडर 10K, लेकिन अगर आप अपना बजट 1K से एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप मोटोरोला G52 को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस 11,000 के आसपास फ्लक्चुएट करता है, लेकिन इसके प्राइस के हिसाब से इसमें काफी अच्छे फीचर्स है, जैसे स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर,
6.6 FHD Plus 90 Hz का Port Display और 50 Megapixel का Primary Camera और 16 Megapixel का Front Camera। 12 Band Wi-Fi Support के साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी जो कि 33 Watt का चार्जर सपोर्ट करती है और साथ ही साथ Torq Android का एक्सपीरियंस। कैमरे की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए अगर आप अपना बजट 1000 से एक्सटेंड कर सकते हो तो आप इसे जरूर कंसीडर करना, और अगर आप सैमसंग फैन बॉय हो तो आप सैमसंग गैलेक्सी M13 को भी कंसीडर कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। सभी प्रोडक्ट्स के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्ट्स हमारे लिंक से लो तो ये हमें और क्वालिटी कंटेंट बनाने में काफी हेल्प करेगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।